In previous video, we have seen that what is the scaling of MOS transistor and why we do scaling. And there are two types of scaling. Full scaling, also known as constant field scaling, and other one is the constant voltage scaling. Constant field scaling का मतलब है कि the magnitude of internal electric field will be preserved, will remain same. जो भी आप डायमेंशंस, वोल्टेजेस और दूसरे पैरामीटर्स वेरी कर रहे हो, स्केल डाउन कर रहे हो बाय द फैक्टर एस, बट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं आना है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट ही रहेगी. हाउ इट इज पॉसिबल? सी, बोथ पोटेंशियल एंड डायमेंशन आर स्केल डाउन प्रोपोर्शनली बाय द सेम स्केलिंग फैक्टर. नाउ नोट डाउन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज, जब हम पोटेंशियल स्केलिंग कर रहे हैं यानी वोल्टेज को स्केल डाउन कर रहे हैं, देन इट विल ऑल्सो अफेक्ट्स दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट टू मेंटेन द कांस्टेंट फील्ड कंडीशन वी नीड टू इंक्रीज द चार्ज डेंसिटीज बाय अ फैक्टर ऑफ एस. तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी सेम स्केलिंग फैक्टर से. अब हम ये टेबल देखते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स हमारे वेरी हो रहे हैं कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में. तो फर्स्ट वन इज चैनल लेंथ. तो चैनल लेंथ हमारी स्केल डाउन हो गई स्केलिंग फैक्टर से, विड्थ भी स्केल डाउन हो गई, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड भी स्केल डाउन होगी, सेम जंक्शन डेप्थ एंड वोल्टेज सप्लाई. अब पोटेंशियल को भी रिड्यूस करना होगा तो वो भी स्केल डाउन होगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी स्केल डाउन होगी. और जो डोपिंग डेंसिटीज थी, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि डोपिंग डेंसिटीज हमारी इंक्रीज कर जाती है बाय दिस स्केलिंग फैक्टर. नाउ लेट्स सी दैट हाउ दिस फुल स्केलिंग विल अफेक्ट द ड्रेन करंट इन लीनियर एंड सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन. तो यहाँ हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जो सरफेस मोबिलिटी है μn, इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड by the scale doping density. So first one is the gate oxide capacitance per unit area. Its formula is epsilon ox upon tox. So this new gate oxide capacitance per unit area will be s times of the previous one. क्योंकि thickness जो है वो हमारी scale down हो गई तो denominator में s था तो wholesale वो ऊपर आ गया. अच्छा, एस्पेक्ट रेशियो देखिए, विड्थ और लेंथ अभी हमने देखा कि दोनों ही स्केल डाउन हो रही हैं, इसका मतलब ये अनचेंज्ड रहेगी अंडर दिस कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग. अच्छा, जो कप्पा है जिसको ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल. तो सी ओ एक्स हमारा गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर गया स्केलिंग फैक्टर से, डब्ल्यू बाई एल रिमेन अनचेंज्ड, और ये हमने कंसिडर किया है कि मोबिलिटी हमारी अनअफेक्टेड है. दैट मीन्स कि जो ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर है जिसको हम कप्पा एंड डैश ले सकते हैं, दिस विल बी एस टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन. एंड ऑल द टर्मिनल वोल्टेजेस आर ऑल्सो स्केल डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ एस, जो हमने अभी देखा था. तो अब हम लीनियर मोड की ड्रेन करंट को देखते हैं. तो जो इक्वेशन थी वो इस तरीके से लिखेंगे कि न्यू ड्रेन करंट इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये होगी. अब एक एक वैल्यू अगर हम प्लेस करें तो सो न्यू के एन डैश विल बी एस टाइम ऑफ के एन. एंड वोल्टेजेस देखिए प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं इसलिए एस स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया. एंड अल्टीमेटली वी कैन सी दैट दिस न्यू ड्रेन करंट इन लीनियर मोड इज स्केल डाउन बाय फैक्टर एस. एंड व्हाट अबाउट दिस सैचुरेशन मोड ड्रेन करंट? तो इस यहाँ पर भी आप वैल्यूज प्लेस करके देख सकते हो कि ये भी स्केल डाउन हो गई, यानी ड्रेन करंट हमारी दोनों ही मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए रिड्यूस हो जानी है बाय द सेम स्केलिंग फैक्टर. अच्छा, पावर डिसिपेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन है उस पर क्या इफेक्ट आता है. तो बिफोर स्केलिंग इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला आई डी प्रोडक्ट वी डी एस. सो ड्रेन करंट हम देख रहे हैं कि स्केल डाउन हो रही है और जो भी वोल्टेजेस हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी स्केल डाउन कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल जो पावर है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ एस स्क्वायर. सो पावर डिसिपेशन में हमें ये एडवांटेज मिलता है दैट इट इज स्केल डाउन बाय एस स्क्वायर. सो कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग इज वेरी यूजफुल इन दैट केसेस वेयर वी वांट टू हैव लोअर पावर डिसिपेशन. सो और इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? तो पावर डिसिपेशन में हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया एंड ड्यू टू द डिवाइस एरिया रिडक्शन बाय एस स्क्वायर पावर डेंसिटी पर यूनिट एरिया। देखिए ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी डिवाइस एरिया है वो S² टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पावर डेंसिटी पर यूनिट एरिया इट विल रिमेन अनचेंज्ड। एंड गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस में COX आ रहा है, ये तो हमारा स्केल्ड अप हो जाता है S फैक्टर से। W को हमने स्केल डाउन किया। इसको यहाँ मैं अगर लिखूँ कि CG डैश इज गिवन बाय WL डैश तो एंड COX डैश, सो W डैश इज W by S, L dash is L by S, and COX dash is S times of COX। तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया हमारी इंक्रीज कर गई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी WL COX and upon S। so we can see that CG dash is scaled down by factor S। and अगर हमारा गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस रिड्यूस हो रहा है, दिस विल गिव यू एडवांटेज इन ट्रांजिएंट बिहेवियर। ट्रांजिएंट बिहेवियर यानी कि जो चार्ज अप एंड चार्ज डाउन होने में जो टाइम लगता है, अब वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये ट्रांजिएंट बिहेवियर को परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंट फील्ड स्केलिंग। नाउ द प्रोपोर्शनल रिडक्शन ऑफ ऑल डायमेंशंस ऑन चिप will lead to a reduction of various parasitic capacitances and resistances। जब आप सारी dimensions को कम कर रहे हो तो जो parasitic capacitances होते हैं, resistances होते हैं, वो भी simultaneously reduce हो जाएंगे। So this will also contribute to the overall performance improvement। तो अब हम summarize करते हैं इन्हीं सारे factors को। तो oxide capacitance केस में हमने देखा before scaling से after scaling में it is increased by this scaling factor, and drain current is reduced by this scaling factor। power dissipation बहुत अच्छा advantage है कि ये भी scale down हो गया है। power density पे कोई effect नहीं आया है, ये before and after it remains same in constant field scaling। so this is all about the constant field scaling। next video में हम constant voltage scaling method पढ़ेंगे और देखेंगे कि यही सब जो हमारे parameters हैं इन पे क्या effect पड़ता है, स्केल डाउन होता है या स्केल्ड अप हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।